मंडल अध्यक्ष कार्तिक चौक मंडल से ये महिला मोर्चा का सम्मेलन था। इसमें महिलाओं का हमारे अनिल फिरोजिया जी भाई साहब खड़े हुए चुनाव में भारी मतों से जिताने के लिए महिलाओं को बहुत उत्साह कर रहे हैं और हमारा कमल के फूल पर वोट जाता है। जय श्री माता। बस आ रहे हैं भैया जी, हम सबका सौभाग्य है चुनाव के मेला में उज्जैन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा लोकसभा चुनाव के सम्मेलन के अवसर पर मंच पर विराजमान राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नवलिया जी हमारी उज्जैन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की शिरकत। महिला कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। हो सकते है क्या ये? कोई बात नहीं क्या ये? कोई और देश में जाओ और उनकी आदत के मानते ही वो लगातार उसी लाइन में चलते हैं। आप बताओ विरासत टैक्स की बात करो, विरासत टैक्स, अरे विरासत टैक्स किसको कहते हैं? हमारे यहाँ पे अपने माँ बाप बच्चों के लिए पेट काट करके पैसा बचा के चलते हैं। कोई कारण से शरीर छूट जाए तो बाल बच्चों का भला हो जाए, बाल बच्चों के काम आ जाए। होता कि नहीं होता है ये सब? अपने सबके परिवार में क्या होता है? अपने देश में तो यही होता है। लेकिन ये क्या कहते हैं, अमेरिका में ऐसा होता है वो कानून न्याय लगा है। अमेरिका में क्या होता भाई साहब? अमेरिका में ये होता है कि जैसे फिर एक बार ये तो भाजपा और आपसे इसलिए कहलवाएगी, जितनी माता बहनों की इज्जत बढ़ाने का काम किया है वो एकमात्र पार्टी है भाजपा। और भाजपा ने तो सोच समझ के अपना चुनाव चिन्ह भी रखा। कभी दिवाली के दिन आपको लक्ष्मी जी का पाना नहीं मिले और आपको पूजा करना पड़े लक्ष्मी जी की, तो लक्ष्मी जी कमल के फूल में रहती है। कमल का फूल मतलब लक्ष्मी जी है। तो आपके नाम पे तो पार्टी चल रही है, आपके नाम पे तो जीत ना हारना हो रहा है। आप सबको प्रणाम करता हूँ, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आप सबके आधार पर ये हमारे बीच 36 युद्ध लड़े, 36 और 36 के 36 युद्ध जीतने का अगर किसी का रिकॉर्ड है तो रानी दुर्गावती के थम। आखिरी युद्ध में जैसे चंद्रशेखर आजाद की आपको मालूम है, वैसे के वैसे ही दो पारी नहीं, उस समय तोपों का नया चलन था। अगलम ने सीधा व्यक्ति और तोप के गोले फूटे। सामने आमने के युद्ध में रानी दुर्गावती का हाथियों की बड़ी फौज थी। अब आप बताओ जैसे तोप के गोले फूटेंगे तो हाथी तो भड़कते हैं, घोड़े भी भड़कते हैं। पहली बार फटाई की आवाज ऐसी जोर जोर से आने लगी तो लगा कि युद्ध जाएगा। तुमने आपने युद्ध के लिए रानी दुर्गावती ने कहा कि मैं अपना युद्ध रात में लड़ना चाहती हूँ। देखो कितनी बहादुर रानी है, रात के समय युद्ध लड़ना चाहती हूँ, मैं रात को इनको मार दूंगी। जो उनके साथ लड़ने वाले पुरुष और बाकी लोग, उन्होंने कहा रानी आप कभी युद्ध नहीं हारी हो, आप आए रात के चक्कर में पड़े, कल अपन इनको मार के हरा देंगे, अपन थक गए हैं। रानी लगातार समझाती रही, माने नहीं। उन्होंने कहा देखो कल का युद्ध भारी पड़ जाएगा, अभी तोप नीचे करिए ऊपर किले पे ले जाएंगे, बहुत तकलीफ आई। मामले में बहनों को लेकर कितना अलग है, ये ऐसा देश है जो दुनिया से अलग है और दुनिया के अंदर मात्र संस्था के आधार पर किसी देश का नाम अगर है 200 से ज्यादा देश में तो एकमात्र भारत है। इसका बोलते हैं भारत माता की। ये माता के आधार पर देश को जानते हैं अगर कोई तो वो केवल एकमात्र देश भारत। और मात्र संस्था की सत्ता को मानने के लिए नवग्रह मंडल में भी हम पृथ्वी माता को मान के चलते हैं। हमारी तो वसुंधरा के बिना दुनिया नहीं चलती है। हमारी संस्कृति भी भगवान भोलेनाथ को वरदान दे देते हैं, वो भोले हैं वो, लेकिन वरदान देने के बाद जो उत्पाती जीव आते हैं वो सारे उत्पाती जीवों को महाकाली माता जो पार्वती का ही रूप है नहीं है। जब काली कराली जो अपने नरमंडों की माला पहनती है और आतंक अन्याय के खिलाफ लड़ना चालू करती है तो जमीन थर्रा जाती है, पृथ्वी डोलने लग जाती है, पूरे विश्व में हाहाकार
बहने बेटी है, हमारी परंपरा भी इतने आनंद है। हमारे यहाँ अपने रिकॉर्ड के अंदर अनिल जी अभी हमने दो बहनों के नाम लिए। लोकप्रिय विधायक मेरा अभिन्न मित्र माननीय अनिल जैन गालूवाड़ा जी जोरदार अभी आनंद लेंगे। इस अवसर पर नगर जिला अध्यक्ष सबके लिए लेके चलने वाले हमारे विवेक जोशी जी जोरदार ताली वाली मजा लगना ठीक है। हाँ वाह, इस अवसर पर मंच पर मौजूद हमारे लोकसभा के वो पार्टी है कांग्रेस, 125 साल से ज्यादा पार हो गए हैं, दो ही बच्चे जीते हैं उसमें एक बेटी और एक बेटा, और पूरी पार्टी जाए भाग में कोई लेना देना नहीं, केवल उनके बच्चे को प्रधानमंत्री बनाना। अरे जिनके पति प्रधानमंत्री जी है, जो खुद पीठ पीछे 10 साल सरकार चला गया, जिनके दादी, जिनकी सास, जिनकी क्या कमानी, सारी की सारी 55 साल सरकार चली, लेकिन पेट भी भरा कांग्रेस वालों को, वो सब भूल गए। देश की आजादी चंद्रशेखर आजाद ने दिलाई, भगत सिंह ने दिलाई, सारे क्रांतिकारियों ने दिलाई, देश की आजादी अकेले कांग्रेस के इस नेहरू खानदान ने थोड़ी दिलाई, ये भी उसका हिस्सा थे, लेकिन ये सत्ता पकड़ के बैठ गए, शहंशाह बन गए, साहेबजादे हो गए, और एक ऐसे राकेट है इसको जब भी ऊपर उड़ाओ ये दस से नीचे गिर जाता है, ऊपर जाता ही नहीं, मानते ही नहीं, लेकिन वो है कि माँ बेटे का ऐसा प्रेम है कि मानते ही नहीं। एक तरफ भारत माँ का बेटा नरेंद्र मोदी, जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिसने अपने माँ के दूध का सम्मान बढ़ाया, अपना पूरा जीवन तिल तिल करके देश की सेवा के लिए लगाया, और एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो हम सबको गौरवान्वित करेगा। जिस दिन माँ का अंत हुआ, माँ ने शरीर छोड़ा, हम सब टीवी के सामने बैठे देख रहे थे, सबकी आंखों के सामने दृश्य देखो, और माँ का अंत्येष्टि हुई और भारत माँ की सेवा करने के लिए आ रहा है, ये नरेंद्र मोदी है इनके। आज सीएम साहब आए हुए, महिला मोर्चा का क्या प्रोग्राम है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से जन हितैषी योजनाएं हमारी केंद्र की हो चाहे राज्य की, लाभार्थी बहने और लाभार्थी परिवार से जब बात करते हैं, 13 मई को जिन बहनों ने फोटो खिंचा लिए हैं वो बहने मंच से नीचे आ जाए, वो जो बहने रह गई हैं 1 बजे से प्रतीक्षा करी है बहनों ने, उनको भी मौका दे, वो भी फोटो खिंचा ले, उनको भी खुशी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मतदान करने के लिए। आपका शुभ नाम? आप एक महिला है, महिला होने के नाते आपको क्या क्या शासकीय योजनाओं का दुनिया लाभ मिला है सभी को, जिसके कारण आप मोदी जी को जितना चाहते हैं? फिर हम तो गवर्नमेंट सर्विस में थे हमारे पति, इसलिए हम तो कोई लाभ नहीं ले पाए, पर जो भी महिला है उनको बहुत अच्छा लाभ मिला, आवास योजना का मिला, लाडली बहनों का मिला, लाडली लक्ष्मी योजना का मिला, धन धन योजना का मिला, संबल योजना का मिला। इनके अलावा भी मोदी जी ने जो योजना दी आज तक किसी भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी ने भी नहीं दी थी 50 साल से। हम भी, मेरी आज मैं भी, मेरा 65 का जन्म है, पर मैंने जब से देखती आई सरकार, पर आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं करा जो आज मोदी जी कर रहे हैं। अगर आज मोदी जी नहीं होते तो कोरोना काल में अपना देश बिल्कुल बर्बाद हो, बर्बादी की जगह आ जाता। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मैं प्रेमलता बेलवाल, पूर्व पार्षद अभिनगर में उपाध्यक्ष मेला मोर्चा। इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप? जी हम प्रधानमंत्री के रूप में निश्चित ही नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते। क्या कारण है? कारण ये है कि जो आज देश का मान और गौरव प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है वो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने, हमारे भारत का गौरव, हमारे तिरंगे का मान जो बढ़ाया है,
माननीय मोदी जी ने बढ़ाया और महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है वो माननीय मोदी जी ने एक पुरुष होते हुए भी महिलाओं के हित के लिए इतनी योजनाएं लेकर आए हैं। वो जो 33% अभी आरक्षण दिया है वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। और एक आदिवासी महिला को यदि कोई पार्टी अगर सोच सकती है आदिवासी महिला को पे बिठाना, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पे बिठाना, तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। आपका शुभ नाम। आने वाले समय में भी मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं सोनल जोशी, नगर महामंत्री, महिला मोर्चा। इस बार सुनने हमारा अब की बार 400 पार, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 400 पार, 407 सीटें लानी है अपने को। कई महत्वपूर्ण ऐसे फैसले हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को पास करना है पूर्ण बहुमतों से। तो इसके लिए हम सबको पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से सबको मतदान कराना है। और इसके लिए हम बहुत प्रयासरत भी हैं, कर भी रहे हैं और कराना भी है। इसलिए 407 सीटें हमको लानी है और मोदी जी को वापस से प्रधानमंत्री बनाना है। मैं श्रीमती ममता पाटिल, महिला मोर्चा में